तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सबसे बड़ी बात करेंगे, आरबीआई ने बहुत बड़ा बदलाव किया है चेक को लेकर के। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो उससे पहले हमको बैंक को ये बताना पड़ेगा कि हमने इस आदमी को इतने अमाउंट का इस डेट में फलाने चेक नंबर का चेक इशू किया है, तब जा करके हमारा चेक कन्फर्म होगा, अदरवाइज वो चेक रिटर्न कर दिया जाएगा। ऐसा आरबीआई ने नया नियम लाया है, तो इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे कि क्या है पॉजिटिव पे कंफर्मेशन, कैसे करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे करना है, माध्यम क्या है उसका, चैनल क्या है, तो सारी डिटेल हम जानते हैं एक एक चीज़। चलिए आरबीआई के वेबसाइट पे, जहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव पे सिस्टम और चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। ये आरबीआई ने नोटिफिकेशन बहुत पहले निकाला था, ये सितंबर 25, 2020 को ही नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जो सारे बैंकों के लिए है, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रूरल बैंक और बहुत सारे बैंक है, इसमें सभी को पॉजिटिव पे कंफर्मेशन के लिए बोला गया है, जिसके तहत आरबीआई ने बोला है कि 50,000 से ऊपर के जितने भी पेमेंट हों वो सारे पॉजिटिव पे कंफर्मेशन के तहत आएंगे। अब बिना पॉजिटिव पे के कोई भी चेक क्लियरिंग में पास नहीं होगा, वो रिटर्न हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव पे क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे पहले, देखिए सारे बैंकों को तो पॉजिटिव पे करना ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी आरबीआई के नोटिफिकेशन को संज्ञान में लेते हुए कुछ चेंजेस किए हैं पॉजिटिव पे कंफर्मेशन के लिए। तो एक्चुअली पॉजिटिव पे कंफर्मेशन दोस्तों होता था पहले, कि पहले जब हम कोई चेक बैंक को देते थे क्लियरिंग के लिए या फिर ट्रांसफ़र के लिए, तो बैंक से हमको कॉल आता था फॉर वेरिफिकेशन पर्पस कि आपने ये चेक इशू किया है या नहीं किया है। अगर हम बोलते थे कि हाँ चेक हमारे द्वारा इशू किया गया है, तो बैंक हम अपने कंफर्मेशन के बिहाफ पर उसको कंफर्म कर देती थी। बट अब ये नहीं हुआ होने वाला है। अब आरबीआई के नए नोटिफिकेशन के जो बदलाव हुए हैं उनमें कहा गया है कि अगर कोई भी कस्टमर चेक इशू करता है, तो पहले कस्टमर को ये बताना पड़ेगा कि हमने ये चेक इशू किया है। ये चीज़ बैंक को हमको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा जो चेक होगा वो क्लियर हो पाएगा। यही है पॉजिटिव पे कंफर्मेशन। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे करना है, इस तरह से इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा का देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिखा है, वही नोटिफिकेशन नंबर है आरबीआई का जो हम लोग देखे हैं, सितंबर 25, 2020 का डेटेड है। यहाँ पे लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1/1/2021 से पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो पॉजिटिव पे कंफर्मेशन होगा ये सिर्फ क्लियरिंग वाले चेक में ही नहीं, उसके साथ साथ अगर ट्रांसफ़र पे हम बैंक के काउंटर पे कोई चेक जमा करते हैं और वो हाई वैल्यू है, तो उसमें भी कंफर्मेशन का ज़रूरत पड़ेगा, हमको खुद सामने से चेक इशू करने का एक इंफॉर्मेशन बैंक को देना पड़ेगा। और जो ये लिमिट है, मिनिमम लिमिट 50,000 रुपया से लेकर के 50,000 रुपया से लेकर के ऊपर के सारे चेक में आएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है कंफर्मेशन का बहुत सारे चैनल हैं, तरीके हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग जो पहले एम कनेक्ट था, अब जो नाम बदल के बीओबी वर्ल्ड हो चुका है, तो हम मोबाइल बैंकिंग से भी अपने चेक का कंफर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा है बड़ौदा नेट बैंकिंग, अगर अपने पास इंटरनेट बैंकिंग है तो हम इंटरनेट बैंकिंग से भी चेक का कंफर्मेशन दे सकते हैं। और उसके अलावा भी है बीओबी आई बैंकिंग करके है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का वेबसाइट है उससे कर सकते हैं।
और हम ब्रांच में विजिट करके कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि हम SMS भेज करके, जो कि नंबर है 8422009888 पे, सिंपली एक मैसेज भेज के भी हम चेक का कंफर्मेशन कर सकते हैं। और नहीं तो बैंक के टोल फ्री नंबर हैं जो कॉल सेंटर हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर, वहाँ पर भी हम कॉल करके कस्टमर केयर को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमने ये चेक इशू किया है, इस चेक को कंफर्म किया जाए। और जैसे ही हमारी इन्फॉर्मेशन बैंक को सबमिट होगी, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक रेफरेंस नंबर आएगा जिसमें हमारे कंफर्मेशन का रेफरेंस नंबर लिखा रहता है। तो दोस्तों, इसमें 6 चीज़ें मुख्य रूप से ज़रूरी हैं, जो 6 मैंडेटरी इनपुट्स हमको देने हैं। उसमें है चेक डेट, चेक में जो इशू हुआ है वो किस डेट को हुआ है। उसके बाद है अमाउंट, हमने जो चेक इशू किया है वो कितने अमाउंट का किया है। उसके बाद तीसरा है ट्रांजेक्शन कोड, ये चेक में जो लास्ट जो ये रहता है लास्ट डिजिट, इसको चेक ट्रांजेक्शन कोड बोलते हैं, इसको भी हमको बताना पड़ेगा। और इसमें चौथा चीज़ आ जाता है चेक नंबर, ये चेक में जो फर्स्ट डिजिट रहता है उसको चेक नंबर बोलते हैं, ये भी हमको बताना पड़ेगा। और उसके बाद आ जाता है खाता संख्या, अकाउंट नंबर हमको बताना पड़ेगा। और अमाउंट, यहाँ पे दो तरह का अमाउंट होता है, एक वर्ड में लिखते हैं और एक डिजिट में लिखते हैं। तो दोनों अमाउंट चेक के ऊपर अगर हम ब्रांच में फिजिकली फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमने पे नेम, चेक हमने किसको इशू किया है उसका नाम हमको बताना पड़ेगा। तब जा कर के ये सारी इन्फॉर्मेशन जब बैंक के पास सबमिट होगी, तब जा कर के हमारा चेक जो है क्लियर होगा और रिटर्न होने से बच सकता है। अगर एक बार हमने कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन रेक्टिफाई मॉडिफाई वगैरह नहीं होगा। और ये शाम को 6 बजे तक हम इसमें जो भी कंफर्मेशन है सबमिट कर सकते हैं। जो भी चैनल है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, SMS के थ्रू, सारे के थ्रू हम इसमें अपने जो पॉजिटिव पे कंफर्मेशन का सिस्टम है उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ब्रांच विजिट। ब्रांच विजिट में करने में हमको एक फिजिकल फॉर्म भरना पड़ेगा और फिजिकल फॉर्म भर करके तब ब्रांच में सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि हम घर बैठे इन सारे जो चैनल हैं, अतिरिक्त चैनल, उसके थ्रू हम कंफर्मेशन करें। मोबाइल बैंकिंग जो आपके अगर पास है BOB वर्ल्ड, तो उसमें आप रिक्वेस्ट सर्विसेज में जा करके, यहाँ पर रिक्वेस्ट सर्विस लिखा हुआ है, यहाँ जा करके पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को चूज करना है। उसके बाद सेलेक्ट ऑपरेटिव पे अकाउंट, इंटर चेक नंबर और सारे डिटेल को फिल करने के बाद हम MPIN डाल के सबमिट कर देना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद हम पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि चेक किसी को भी इशू करने से पहले बैंक को हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने ये चेक फलाने आदमी को, इस आदमी को इतना अमाउंट का, ये चेक नंबर, इस अकाउंट का, चेक का डेट, सारे डिटेल सबमिट करना पड़ेगा ताकि चेक हमारा क्लियर हो जाए। अगर हम ये चीज़ बैंक को नहीं बताते हैं तो हमारा चेक रिटर्न हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।